हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखिए ओरेस्टेन ने क्या प्रूव किया था, इफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द कंडक्टर। जैसे कंडक्टर है, ओरेस्टेन के एक्सपेरिमेंट क्या था बताओ, अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाते हैं ना। जैसे कंडक्टर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। इसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो मैग्नेट क्या करेगा, उस मैग्नेट पर मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है, तो करंट का इफेक्ट क्या बताओ, करंट का इफेक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। अगर कहीं पर करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड से ऑटोमैटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, तो इसका तो फैराडे ने इसके अपोजिट सोचा, फैराडे ने जो है और स्टेन एक्सपेरिमेंट का अपोजिट सोचा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट बहने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें तो करंट बहनी चाहिए ना। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दें तो इस कंडक्टर में करंट बहनी चाहिए, होना चाहिए नहीं है। अगर हम कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है ना, तो अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कर दें तो उसमें करंट बहनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने इसके जस्ट अपोजिट, हाँ इस रिजल्ट का जस्ट अपोजिट इन्होंने सोचा कि अगर बढ़ने वाले करंट मैग्नेटिक फील्ड दे सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट दे सकती है ना। तो इसके बाद फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज को पाने के लिए कि हमको अगर किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दें तो कंडक्टर में करंट बहनी चाहिए ना। जिसके इसके लिए इन्होंने फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और तो ये देखने के ट्राई किया कि अगर हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें करंट बहती है नहीं बहती है। तो देखिए कंडक्टर जैसे क्वाइल है, क्वाइल वे कंडक्टर है ना। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, क्वाइल लिया, इस पर्पस के लिए क्या किया होता एक क्वाइल लिया और एक गैल्वेनोमीटर लिया। क्वाइल एक कंडक्टर हो जाएगा है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर भी क्या काम होता है, इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट ना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। जैसे आपने मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के से आप नैनो एम्पीयर की करंट मेजर कर सकते हैं। कितने करंट मेजर कर सकते हैं बताओ, विद हेल्प ऑफ सस्पेंडेड टाइप मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर यू कैन मेजर करंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10^-9 एम्पीयर। ये वैल्यू बहुत ही कम है ना, ये वैल्यू क्या बताओ, बहुत कम है। ठीक है, तो अगर कितने भी करंट बहेंगे, 9 एम्पीयर की करंट बहेंगे तब भी गैल्वेनोमीटर करंट को बता देगा ना, गैल्वेनोमीटर मीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ले लिया और ये क्वाइल ले लिया। ठीक है, तो आप देखिए कंडक्टर हो गया इसके पास और अगर कंडक्टर पे करंट बहती है तो उसको मेजर करने के लिए क्या कहते हैं, डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया। अब तीसरा क्या क्या करते हैं, इसके तरह दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करने के लिए क्या 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 मैग्नेट ले लिया, क्या क्या मैग्नेट ले लिया, तो मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर कोई मैग्नेट है तो चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एक मैग्नेट ले लिया, अब मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दे देगा ना। ठीक है, तो आप तीनों आते हैं तो इनका जो रिक्वायरमेंट है तीन चीज से फुलफिल हो गया ना, क्वाइल बिहेव इन द कंडक्टर, मैग्नेट रिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट ना। अब तीनों चीज से इनके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए। अब इन्होंने क्या किया, क्वाइल को रख दिया और इसके पास मैग्नेट रख दिया, क्वाइल का रिलेशन गैल्वेनोमीटर से कर दिया कि अगर क्वाइल में करंट बहेगी तो गैल्वेनोमीटर उसको तुरंत पढ़ लेगा ना। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, यानी इन्होंने कंडक्टर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दिया क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कॉइल आपके मैग्नेटिक फील्ड में आ गए ना। तो लेकिन इनको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन मिला नहीं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने लॉन्ग टाइम तक रिपीट करते रहे, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने
12 साल तक रिपीट करते रहे, ठीक है, 12 ईयर तक स्टेटमेंट रिपीट करते रहे कि और स्टेट का स्टेटमेंट है कि एक पैरेंट फ्लो इज अ कंडक्टर देन मैटी पीरियड इज एस्टेब्लिश अराउंड इट, है, तो इसके अपोजिट के नाम हमको मिलना चाहिए। अगर हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ मैटी पीरियड एस्टेब्लिश करें तो उसमें कंडक्टर है, इस चीज को मानेंगे लेने से 12 साल तक 12 ईयर तक ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहे ना, लेकिन इनको कभी भी करंट नहीं मिले, तो एक दिन उन्होंने क्या किया, गुस्से में जो है मैरिट को कॉइल के अंदर फेंक दिया, है ठीक है, तो मैरिट को कॉइल के अंदर फेंक दिया तो इन्होंने देखा कि गैरोमीटर डिफ्लेक्शन आता है, गैरोमीटर क्या है डिफ्लेक्शन आता है, तो डिफ्लेक्शन आने के दो रीजन हो सकते हैं, जैसे आप जब ये फेंक लें मैरिट को तो मैरिट में भी स्टैक विद द कॉइल है, मैरिट जो है कॉइल से कोलाइड कर सकता है, टक्कर कर सकता है, जब टक्कर करेगा तो कॉइल हिलेगी, जब कॉइल हिलेगी तो गैरोमीटर में गैरोमीटर हिलेगा और स्टेट भी हिल सकते हैं, ठीक है, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अभी तक ये कभी भी मोशन नहीं देते थे, गैरोमीटर और मैरिट के बीच कोई भी मोशन नहीं देते, खाली ये दोनों को रख करके केवल करंट ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि दिस फिनोमेना अकर्स टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैरिट एंड कॉइल, ये फिनोमेना मैरिट और कॉइल के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन से हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ की क्लियर करने के लिए कि दिस डिफ्लेक्शन इन नीडेड इज ड्यू टू स्टैकिंग ऑफ मैरिट विद द कॉइल और ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैरिट एंड कॉइल, है ये फिनोमेना मैरिट और कॉइल के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन से हो रहा है या कि मैरिट कॉइल से स्टैक करके इसलिए हो रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लियर करने के लिए इन्होंने क्या किया, मैरिट को जो है धीरे धीरे ले, मैरिट को धीरे धीरे कॉइल के अंदर लाते हैं और इस टाइप से लाते हैं कि मैरिट डज नॉट टच एनीवेयर टू द कॉइल, मैरिट जो है कॉइल को कहीं टच नहीं करता है, ठीक है, मैरिट को जो है इस टाइप से लाते हैं कि मैरिट कॉइल को कहीं टच नहीं करता है, तो इन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आता है, इसमें क्या आता है डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है डिमांड है टू टू ड्यू टू स्टैकिंग ऑफ मैरिट विद द कॉइल में है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ये क्यों हो रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन है, ठीक है, मैरिट ऑफ कॉइल के बीच एक रिलेटिव मोशन हो रहा है इसलिए इसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अच्छा इस चीज को और क्लियर करने के लिए क्या है, अब मैरिट को क्या करते हैं कि मैरिट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, मैरिट को क्या करते हैं कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो इन्होंने देखा कि गैरोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो बदल जाता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है क्लॉकवाइज, नेगेटिव जो है क्लॉकवाइज घूमने लगती है और इस केस में एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है ना, अब इन्होंने क्या किया और क्लियर करने के लिए क्या किया कि इसके मैरिट की पोलैरिटी चेंज कर दी इन्होंने, इधर साउथ को लिया इधर नॉर्थ को लिया, अब साउथ को ले जाते हैं तो देखा कि डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आ रहा है और जब साउथ को दूर ले जा रहे हैं तो देखा कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है, फिर उन्होंने क्या किया मैरिट को फिक्स कर दिया, मैरिट को फिक्स कर दिया, आप कॉइल को मोशन दे रहे हैं टुवर्ड द मैग्नेट, आपे बना दे मैग्नेट तभी ये फिनोमेनन मिल रहे हैं, फिर क्या किया इन्होंने दोनों को मोशन दिया कॉइल मैग्नेट दोनों को और दोनों को जो है एक ही वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट हम कॉइल ले जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से मैग्नेट ले जा रहे हैं, दोनों को एक ही वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इन्होंने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या जीरो, 5 सेकंड एक सेकंड में 5 मीटर ही चलता है, एक सेकंड में 5 मीटर ही चलता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर रहती है ना, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, लेकिन जब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करे जैसे मैरिट को 10 से मूव करे इसको 8 से मूव करे तब डिफ्लेक्शन मिलेगा, या अपोजिट डायरेक्शन मोशन करा दे तब डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो कहने वाला ये जो डिफ्लेक्शन है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैरिट एंड कॉइल, ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा बताओ, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैरिट एंड कॉइल, गैलोमीटर में रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मैरिट और कॉइल के भी रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, तो जो है ये जो 12 ईयर तक एक्सपेरिमेंट की है उसने कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं दे रहे थे ना, ठीक है, तो अच्छा फिर ये चीज जो है अच्छा यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप मैरिट को कॉइल क्रूज लाते हैं है? तो कॉइल से लिंक मैरिट प्लस क्या हो रहा है, कॉइल से लिंक मैरिट प्लस बढ़ रहा है ना, ये फिनोमेना क्यों हो रही है, ये फिनोमेना इस फिनोमेना के ऊपर एक क्या रीजन है बताओ, व्हेन यू ब्रॉड मैरिट टुवर्ड द कॉइल देन नंबर ऑफ मेटल आयंस आर फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, ठीक है,
जैसे लूप है ना, अब लूप के पास जब मैंने खोला है जैसे मानते मैंने पहले यहां पर है, ठीक है, जब मैंने यहां पर है ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मैटेरियल ऐसे आपको सुझा रही है ना, यू जा रही है इस टाइप से
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इंटरलेक्टेड। इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब चार्ज है, जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक है। तो वायरिंग हम कह सकते हैं कि वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड ना, ठीक है। तो ये दोनों तो एक ये दोनों से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बिना बिना मैग्नेटिक बिना बिना क्या एक दूसरे से रिलेटेड है ना। एक में चेंज करेगा दूसरा मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन क्या होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन मल्टीपल लिंक विद एनी लूप और इन सर्किट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज जनरेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड है, और दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इफ सर्किट इज क्लोज देन करंट फ्लो और दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मल्टीपल लिंक विद एनी इलेक्ट्रिक सर्किट और लूप देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेटेड, इफ सर्किट इज क्लोज देन करंट फ्लो है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फिनोमेना क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाते हैं। तो देखिए इस फिनोमेना के डिस्कवरी के बाद में ऑल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी हुई है, इस फिनोमेना के आने के बाद ये जो करंट आप यूज करते हैं इसकी डिस्कवरी हुई है। इसके पहले क्या था, खाली बैटरी की करंट थी, डीसी जो कि डीसी करंट थी डायरेक्ट करंट था, ठीक है। बैटरी से जो करंट मिलती है केवल होता है, ठीक है। इसके पहले ये एसी करंट नहीं थी जो आप यूज करते हैं, ठीक। इस फिनोमेना की डिस्कवरी होने से एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट मिली, ठीक। तो इस तरह से एसी करंट किसका देन है, हैं फैराडे का, है ना। एसी करंट किसने दिया है, फैराडे, ठीक है। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फैराडे एक्सपेरिमेंट का है जो कि आपने नाइन पर। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए, चलिए
and this phenomenon is known as electromagnetic induction. Change in magnetic flux linked with the electric circuit are low in the cause of electromotive force. Na? Mm-hmm. Electromotive force ka reason kya bata? Change in magnetic flux. So magnetic flux mein electric circuit se link magnetic flux mein change kya bhi hota hai? To hum electromotive force generate hoga. Ab ye change aap kisi bhi method se kar sakte hain. By giving motion to the magnet or by giving motion to the coil. Ya motion and magnet both. Or by changing current in one coil and placing another coil near to it. किसी भी मेथड से सेम करेगा मल्टीप्लस का कल चेंज होना चाहिए. अगर मल्टीप्लस में चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है तो करंट भी कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ करंट होगा. ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसे कहा गया क्लोज सर्किट. ठीक है ये